लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? लाडली बहन योजना क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट किया गया है और इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूँ और कैसे आवेदन करने वाला हूँ यह भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये योजना आपको मिनिस्टर ऑफ वोमेंस और चाइल्ड डिपार्टमेंट में ले चला गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है ये योजना। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको 1,000 का अमाउंट पर मंथ मिलने वाला है और इसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना आपको लैंगिक शारीरिक स्थिति जांच के लिए देखा है, इसके द्वारा चलाई गई है, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। और राज्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, ठीक है, जो कि पर मंथ आपको 1,000 रुपया मिलने वाला। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट कुछ में रिक्वायरमेंट किया गया है। यदि आपके पास आधार कार्ड है या आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, राशन कार्ड रहना चाहिए, आवासीय जो कि आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो रहना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आय जाति और विधवा प्रमाण पत्र रहना चाहिए आपको। यदि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात की उसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपकी उम्र 21 साल से 59 ईयर्स का होना चाहिए, 21 से 59 ईयर्स का होना चाहिए, 59 साल तक। और इसका आपको कि संपूर्ण जितना मैंने दस्तावेज बताया सारा का सारा डॉक्यूमेंट को रहना चाहिए। और तीसरी बात कि आपको वहाँ का रेसिडेंशियल निवासी होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। और आवेदन के लिए मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट आपको रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि siamladlibahana.mp.gov.in, ये शायद आप लिख कर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। आप जैसे इस पेज पर आएंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको लाडली बहन योजना का जो कि क्रमांक दिया है आवेदन का, इसमें मेंशन करना है, इस कैप्चा को मेंशन करना है, ओटीपी पर भेजे, ठीक है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर आपको जाएगा, ठीक है, एक ओटीपी, उस ओटीपी को इसमें मेंशन करके आपको खोजे के ऊपर आप क्लिक करना है, ठीक है। यदि आप विभागीय में तो आप यहाँ से इसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, विभागीय लॉग इन पर जाकर यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, इसमें अपना ग्राम पंचायत चुन सकते हैं, यहाँ पे यूजर का नाम पासवर्ड कैप्चा करके यहाँ से इसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जाकर ऑफलाइन इसे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्राम पंचायत या तो वार्ड कार्यालय के या तो कार्य कैप स्थल पर जाइए और उसके बाद आपको वहाँ से फॉर्म को लेना है, और फॉर्म लेने के बाद उसमें जो भी रिक्वायरमेंट किया गया है, जो भी जानकारी है, उसे आप सही सबमिट कर दीजिए, भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी को आपको फॉर्म की जानकारी एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, और ऑनलाइन पोर्टल पर भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे मैंने बताया कि आप जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना खोजे पर यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रिक्वायरमेंट आपको किया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है कार्यालय के अंदर, ठीक है, वार्ड या ग्राम पंचायत के अंदर, तो वहाँ से आप आगे का प्रोसेस हो जाए। दूसरी बात कि यदि आप यहाँ से कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पंजीकरण क्रमांक डालना है, कैप्चा का डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, खोजेंगे तो आपके जो कि मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को मेंशन करके इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और दूसरी बात आखिरी में आपकी स्क्रीन पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, जैसे ये करेंगे तो आपका आवेदन और भुगतान की स्थिति आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।